सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधन ने दिखाई संवेदनहीनता, बिना बताए स्कूल से काटा नाम और नहीं देने दी बोर्ड परीक्षा। गेगल थाना क्षेत्र का यह मामला है। पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सामने रखी अपनी पीड़ा। पीड़िता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा दुष्कर्म की घटना के बाद जब स्कूल गई तो स्टाफ ने कसा तंज, स्कूल का माहौल खराब होने की बात कहते हुए स्कूल नहीं आने के लिए कहा, 12वीं बोर्ड परीक्षा का भी प्रवेश पत्र नहीं दिया, बिना बताए स्कूल से नाम काटा और बोर्ड परीक्षा भी नहीं देने दी। मामले में बाल कल्याण समिति हरकत में आ गई। अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है, कलेक्टर को भी मामले से अवगत कराया है। पीड़िता का साल खराब न हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठने की इजाजत लेने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता आई जिसने ये बताया कि उसके साथ 18 अक्टूबर को रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ था, घर के ही सदस्य ने मिलकर उसका रेप किया था। उसने FIR भी कंप्लेन भी करा दी, सारी चीज़ें हो गई थी, पॉक्सो में मुकदमा भी दर्ज हो गया था। बच्ची उसके 2 दिन बाद जब विद्यालय पहुंची तो विद्यालय में मना कर दिया गया उसे आने से, और उसके लिए बोला गया कि आप विद्यालय मत आइए, अभी थोड़े दिन का आप ब्रेक लीजिए, हमारा विद्यालय का माहौल ख़राब हुआ। उसे बोला गया कि आप दिसंबर में आना, हम आपको दिसंबर में बता देंगे आपको आगे क्या करना। बच्ची ने जब दिसंबर में फ़ोन किया विद्यालय में तो उसे पता चला, उसे वहाँ से ये जवाब मिला कि आपका नाम काट दिया गया। तो बच्चे की बिना इन्फॉर्मेशन के, बच्चे को बिना जानकारी के उसका नाम काट दिया गया। जब हमने प्रिंसिपल से बात करी इस संदर्भ में तो प्रिंसिपल ने बोला कि बच्ची 4 महीने से आ नहीं रही थी इसलिए हमने उसका नाम काट दिया। हमारा क्रॉस क्वेश्चन ये था कि आपने बच्चे का नाम जब काटा तो क्या आपने PTM में पेरेंट्स को बुलाया या बच्चे को बुलाने के प्रयास किए, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहे? उन्होंने हमें इस संदर्भ में कोई जानकारी दी नहीं। बच्चे से जब बात करी गई वापस हमने कि भाई आपकी प्रिंसिपल ने ये बोला है, आपका क्या मत है, तो बच्चे ने बोला कि सिंपल उसे ये बोला गया कि हमारे विद्यालय का माहौल ख़राब हो रहा है और आसपास जो हमारे जो दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर विद्यालय में नहीं बैठने दिया, इसलिए हमने उसे मना किया, ये बच्चे ने हमें बोला। बच्ची को भी ये प्रशासन की तरफ, स्कूल प्रशासन की तरफ से बोला गया।